बजट वॉरियर्स बने मोदी निर्मला। कोरोना की मार से इकोनॉमी को बचाने के लिए बनाया खास प्लान। यूं की इकोनॉमी को बचाने की प्लानिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अब तक का अपना सबसे साहसिक बजट पेश किया। बजट में आपको बता दें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मोर्चे पर साहसिक कदम लिए गए हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे थे। बजट का पूरा फोकस ग्रोथ बढ़ाने पर है। बजट पेश करने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा कि बजट का असर अर्थव्यवस्था पर हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच की तरह होगा, जिसमें मैच के बीच एक समय संघर्ष कर रही भारतीय टीम बाद में ऑस्ट्रेलिया पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। I borrow the words of Rabindranath Tagore, faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. आइए अब उन फैसलों पर नजर डालते हैं जिनके द्वारा मोदी निर्मला ने कोरोना से जूझ रही इकोनॉमी को उबारने की कोशिश की है। बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाकर 74% करने जैसे प्रस्तावों से विदेशी पूंजी को भारत में लाने का प्रयास किया गया है। खर्चों की भरपाई के लिए विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 34.83 लाख करोड़ के खर्च का वादा किया गया, जो GDP का 15.6% के बराबर है। इससे पहले तक ये आंकड़ा 13.5% से ज्यादा नहीं रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के लिए सरकार 15.07 लाख करोड़ कर्ज लेगी। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने की खातिर इस बार बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और फंड दिया जाएगा।